नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। मणिपुर हिंसा पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते हैं तब विपक्ष एक बड़ा प्लान बनाता है। दर्शकों, आपको बता दें कि विपक्ष ने अब एक प्लान बनाया है जिसके तहत उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित कराया है। मतलब उन्होंने नोटिस दिया था कि मुझे अविश्वास प्रस्ताव चाहिए केंद्र सरकार की ओर से। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब केंद्र से हटाने के लिए विपक्ष ने प्लान बनाया है। और विपक्ष का कहना है कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं कि वह जिस प्रकार से मणिपुर पर नहीं बोलते हैं, जिस प्रकार से मणिपुर की जैसी वीडियो आने के बाद हिंसात्मक चीज़ों पर बात नहीं करते हैं, हमें उन पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए हम अब जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं। उनके अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने का नोटिस दिया गया था और खबर की मौजूदगी में अब बात आ गई है कि जो है ओम बिड़ला, जो कि संसद के लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। मतलब अब मंजूरी मिल गई है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी हो गया है, अब इस पर कार्यवाही शुरू होगी। आपको बता दें, अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है कि पहले वोटिंग होती है। मतलब विपक्ष कहता है कि हमें इस पक्ष के ऊपर भरोसा नहीं। मतलब जिस प्रकार से विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र पर कहा है, मोदी जी के ऊपर, तो ये बात है कि हमें मोदी पर भरोसा नहीं है। मतलब मोदी जी अब जो है काम सही नहीं कर रहे हैं और मुझे इन पर कतई भरोसा नहीं, इसलिए मैंने अविश्वास प्रस्ताव जारी किया है। अब इस पर होता क्या है, आपको बता दें कि पहले इस पर वोटिंग होती है कि कितने लोग जो है इस पर सहमत है। मतलब विपक्ष ने जिस प्रकार से उन पर बयानबाजी की है, जिस प्रकार से उन पर जो है निशाना साधा है और कहा है कि विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो इस पर अब वोटिंग होगी कितने लोग सहमत हैं। और अगर बहुमत लोग सहमत नहीं होते, मतलब बहुमत लोग सहमत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसे के काबिल नहीं है या केंद्र सरकार भरोसे के काबिल नहीं है, तो यह प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। और अगर तमाम लोग, यानी कि बहुसंख्यक लोग ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोखा कर रहे हैं, वो भारत के खिलाफ जा रहे हैं और भारत की जो है राजनीति के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो तमाम लोग अगर सहमत होते हैं तो इस पर जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मतलब अविश्वास प्रस्ताव से कहीं ना कहीं मोदी को गिराने का काम किया जाएगा। मतलब अगर तमाम लोग सहमत हो गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है, ऐसा अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सचमुच अविश्वास प्रस्ताव जिस प्रकार से कि जो है इसकी नोटिस दी गई थी और इस पर काम शुरू हो गया, मतलब ओम बिड़ला साहब ने इसको मंजूरी दे दी है और इस पर कार्रवाई की जा रही, तो अगर बहुमत लोग जो है सहमत होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता बढ़ जाएगी, क्योंकि विपक्ष इस वक्त एकजुट है, उसने महागठबंधन की तैयारी की है और सारा विपक्ष, मतलब जितनी विपक्षियां पार्टी हैं, उन्होंने गठबंधन किया है और सारी पार्टी इस बार एक साथ है। तो इनके एक साथ आने की आखिर क्या वजह आती है और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक है और चुनाव को देखते हुए अगर ये दाव विपक्ष का चल गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी जाएगी और उनकी जो है सरकार भी गिरती हुई नजर आएगी। आप अपनी कमेंट जो है बात हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।